हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं हूं प्रियंका सिंह और मैं आज आपके लिए लाई हूं एक वीडियो जो सर्जिकल मास्क के ऊपर है। ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है सबका। मेरे पास मैसेज आ रहा मैम सर्जिकल मास्क के ऊपर बनाइए। मैंने मास्क के ऊपर भी बनाई हुई है लेकिन सर्जिकल मास्क के ऊपर नहीं बनाई थी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ सर्जिकल मास्क के ऊपर वीडियो। तो मैं ये सर्जिकल मास्क और ये ग्लव्स लेके आई थी। ये मेडिकल स्टोर पे आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। ये कितनी 30 रुपीज का ये आए ग्लव्स और ये आया ये मास्क। ये 10 रुपीज का है। तो ये आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे, मेडिकल स्टोर वगैरह पे, हॉस्पिटल में कहीं भी मिल जाएंगे। और इसके अंदर मैंने ये खोला, ये ग्लव्स इस टाइप से हैं और इसमें ये राइट और लेफ्ट टू पेयर का ये ग्लव्स हैं। ये ऐसे निकलेंगे, इसमें रबड़ की तरह होते हैं ये पैकेट्स। और ये हमारे ग्लव्स होते हैं, ये प्लास्टिक में होते हैं। यूज एंड थ्रो दोनों हम इसको यूज करके फेंक दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इतना भी ज्यादा हमें सेफ्टी रखनी चाहिए ताकि हमें इन्फेक्शन वगैरह ना हो। हमें ग्लव्स अगर साफ हो तो हम दोबारा यूज कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो हमें नहीं करना चाहिए, उसको थ्रो कर देना चाहिए। तो चलिए, और ये है मास्क, ये भी यूज एंड थ्रो का है। जैसे हम कहीं भी जा रहे हो और काफी डस्ट होती है, पोल्यूशन होता है काफी, तो हमें हमेशा लगाना चाहिए। वैसे तो बड़े बड़े शहरों में यही वाला मास्क यूज करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में तो नॉर्मली मास्क होते हैं ब्लैक में कलर में, तो वो यूज कर लेते हैं, बच्चों को भी वो लगा देते हैं। तो हम जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे बहुत ही इन्फेक्शन वगैरह होता है, बहुत वहां पे बीमारियां होती हैं। तो सब हमें सबको ही वहां पे ये मास्क लगाकर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वहां के कीटाणु होते, जर्म्स होते हैं, वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। अब बच्चों को तो खासकर ये लगाना चाहिए, मास्क को हमेशा यूज में लेना चाहिए हॉस्पिटल जाते हुए। और पॉल्यूशन के लिए तो बेस्ट है कि हमेशा हमें ये लगाना ही चाहिए। तो चलिए मैं इसे कैसे यूज करती हूँ। ये मास्क ऐसे लिए हमने, ये ईयर के इधर और ये ईयर के इस साइड, ये हमारा ये इस टाइप से हमारा कवर हो जाएगा पूरा माउथ। ये हमारा डस्ट भी नहीं जाएगी, फेस पे भी नहीं जाएगी, और ये हमारा डस्ट जो होता है माउथ में भी नहीं जाएगा। और ये ग्लव्स, मैं इसको ग्लव्स को भी पहन लूंगी। हमें कुछ भी, जैसे हम ना वहां पे जाते हैं गोलगप्पे खाने जाते हैं ना, तो वहां पे ये वाले ग्लव्स यूज नहीं होते, वहां पन्नी वाले ग्लव्स यूज होते हैं। तो गोलगप्पे वाले वगैरह जो वाले होते हैं ना, वो भी ग्लव्स पहन के हमें गोलगप्पे खिलाते हैं, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं वो हमारे बॉडी में ना आ जाएं और अच्छे से हम उनको यूज करें। ये मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। हॉस्पिटल में जाके इतनी चीजें होती हैं, हम जैसे किसको छूते हैं तो हमें हाथों में भी जर्म्स लग जाते हैं, तो हमें ये ग्लव्स पहनेंगे तो हमारे जर्म्स जो हैं ये हाथों में ही नहीं लगेंगे, सिर्फ ग्लव्स में लगेंगे। तो हमें ये ऐसे यूज करना चाहिए। और हमें इसके ग्लव्स का हमारा और भी बेनिफिट है। हमें ये सबसे पहले जो ग्लव्स हैं, ये हमें, हम इन ग्लव्स से मेहंदी भी यूज कर सकते हैं, हम अपने बालों में मेहंदी लगा सकते हैं और अपने अपने ही बालों में हम डाई वगैरह भी लगा सकते हैं, हमारे इससे हैंड गंदे नहीं होते हैं। और हम जैसे एग लगाते हैं ना तो हमारे हाथ में स्मेल हो जाती है, तो हम एग को हम इन ग्लव्स पहन के हमें बालों में यूज कर सकते हैं, तो हमारे हैंड्स में ना स्मेल नहीं होगा। अगर कोई प्याज का रस लगाता है तो कोई प्याज नहीं खाते हैं, तो प्याज का रस भी हम अपने बालों में लगा सकते हैं। ऑयल भी, मतलब ग्लव्स के बहुत सारे यूज है जो हम यूज सकते ग्लव्स पहन के, तो हमारे हैंड से सेफ रहते हैं। तो हमें ये यूज करना चाहिए, मस्टली हमें यूज करना चाहिए ये। और बच्चों को ये मास्क तो जरूर 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 लगाना चाहिए बाहर निकलने पे, तो बहुत ही ज्यादा, जैसे इस टाइम पे विंटर हो रहा है तो बाहर हमें लगता है कि फोक हो रहा है, लेकिन नहीं, वो पोल्यूशन होता है। तो बच्चों को हमें बाहर पोल्यूशन होता है ना, तो इसलिए हमें ये मास्क जरूर लगाना चाहिए। तो चलिए, ये बहुत इजीली उतर जाते हैं ये ग्लव्स, ऐसा कोई हमें डिफिकल्टी नहीं होती है। ये देखिए, और ऐसे मैंने ये पहन लिया था, और ये भी
ऐसे हम इसे यूज करके हम थ्रो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो एक मास्क है हम इस मास्क को दूसरे को नहीं लगाना चाहिए, उससे थोड़ा इन्फेक्शन का हो जाता है। तो हमें जो मास्क है अपने हमें अपने ऊपर ही लगाना चाहिए, उसे को किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। तो चलिए, ये मेरी सर्जिकल मास्क की वीडियो आपको कैसी लगी और मुझे जरूर बताइए कमेंट सेशन में, और ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।